देखिए पैसा तो पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल्स के पास मौजूद है, जो फ्लो ऑफ कैश है वो खुशहाली का बायस बनता है। अमेरिका की रियासतों के अंदर रिबा फ्री बैंकिंग हो रही है, कभी डिफॉल्ट होने ही नहीं देंगे पाकिस्तान। हम चीजें प्रोड्यूस करें, क्या मसला है? अभी हम जलजले के हवाले से तुर्की गए हुए थे, कि तुर्की के अंदर बहुत महंगाई हुई, ट्रिपल से भी ज्यादा महंगाई हुई है। उनको बहुत ज्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता, वो अपनी चीजें खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी बुनियादी रीढ़ की हड्डी का काम करती है, तो इसको सिर्फ रेगुलराइज करने की जरूरत है। पाकिस्तान में बहुत पैसा है। गरीब की बात करने वाला बैठा है एक 300 कनाल में बनी गाला में, एक गरीब की बात करने वाला बैठा है 400 कनाल जाती उमरा में। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान ले, ऐलान बगावत करें इस निज़ाम से। आवाज़ उठाने के लिए तैयार होगा, मैं उसे सपोर्ट करूँ। छोटी छोटी सरगोशियों को इकट्ठा करके एक बड़ी आवाज़ पैदा करें। अच्छा जी, मैं यहाँ पे ये सवाल ऐड करूंगी जिमरान साहब कि क्या पाकिस्तान के अंदर पैसे की कोई कमी है? देखिए पैसा तो पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल्स के पास मौजूद है, और वो हम इलीट तबका जो है उसे आप देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आप एमएम आलम और आप डीएचए की मार्केट्स में चले जाएं, आपको शॉपिंग्स और आपको वहाँ पर रश से अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तानियों के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन उसका कोई रेगुलराइजेशन का निज़ाम नहीं है। इस्लाम का जो, इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम है जो सूद से पाक है, वही एक निज़ाम है जो लोगों को खुशहाली दे सकता है। यानी आप तसव्वुर करें, ये ज़कात का निज़ाम क्या है? ज़कात का निज़ाम ये है कि एक आपका माल, एक रकम, वो एक साल तक आपके पास सेविंग के तौर पे पड़ी रहे तो आपने उसमें से 2.5% देना है। यानी आप, ये नहीं है कि आज मुनाफा हुआ है तो कल आपने ज़कात अदा करनी है। तो जो इकोनॉमिक्स को समझता है उसको पता है कि जो फ़्लो ऑफ कैश है वो खुशहाली का बायस बनता है। तो इस्लाम का निज़ाम तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उसको हमारे एक फ़िरका परस्त तबके ने माजरत के साथ इतना ज़्यादा रिजिड और वो बना दिया कि लगता है ऐसे है कि अगर इस्लामी हुकूमत आ गई तो बस लोगों के गले उतर रहे होंगे, हाथ काट रहे होंगे और पता नहीं कहीं कोड़े की सज़ा हो रही होगी। ऐसा नहीं है। असल में ये है कि इस्लाम का, अब रिबा फ्री बैंकिंग, अमरीका की रियासतों के अंदर रिबा फ्री बैंकिंग हो रही है अमरीका की रियासतों में, लेकिन हमारी जान सूद नहीं छोड़ रहा। हमारा IMF, ये जो डिफ़ॉल्ट की बात होती है, कभी डिफ़ॉल्ट होने ही नहीं देंगे पाकिस्तान। डिफ़ॉल्ट हो गया तो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, श्रीलंका हो गया ना, एक साल के अंदर खड़ा हो गया। तो ये हमें मंगता ही रखेंगे, ये हमें फ़कीर ही रखते हैं, और ये हुक्मरानों की पॉलिसी है। ये अगर नहीं होगा तो फिर ये उनकी दाल रोटी नहीं चलेगी। तो पैसा पाकिस्तान के इंडिविजुअल्स के पास मौजूद है, अगर इसका इस्लामी निज़ाम मईशत मौजूद हो जिसके पूरे खदोखाल मौजूद हैं, तो बिल्कुल खुशहाली आ सकती है पाकिस्तान के अंदर। हम चीज़ें प्रोड्यूस करें, क्या मसला है? यानी हमारी टॉफ़ी और कैंडी और जूस तो बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, ये बनाने के अंदर क्या रुकावट है? हुक्मरान रुकावट है, इसके अलावा क्या प्रॉब्लम है? अभी हम जलजले के हवाले से तुर्की गए हुए थे, तो हम वहाँ पर कुछ दोस्तों से यही बात कर रहे थे कि तुर्की के अंदर बहुत महंगाई हुई है, यानी ट्रिपल से भी ज़्यादा महंगाई हुई। मैं 2019 में गया और 2023 में, तो ट्रिपल से भी ज़्यादा महंगाई, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता, वो अपनी चीज़ें खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। उन्होंने बाहर से जो मंगवाना है वो बहुत थोड़ी चीज़ें, तो वो उसका इफेक्ट जो है वो बहुत कम चीज़ों के ऊपर होता है कि डॉलर बढ़ गया और फलां हो गया। तो हमने तो साबुन भी मंगवाना है तो वो बाहर से मंगवाना है, और जनाब बच्चों की टॉफियां भी बाहर से आनी है। ये चीज़ें हम क्यों प्रोड्यूस नहीं करते? बिल्कुल प्रोड्यूस कर सकते। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए भी बुनियादी रीढ़ की हड्डी का काम करती है, तो इसको सिर्फ रेगुलराइज करने की जरूरत है। पाकिस्तान में बहुत पैसा है। अब आपके मैसेज आने वाले नस्लों के लिए और मौजूदा नस्लों के लिए भी कि हम अपने पाकिस्तान को कैसे सेव कर सकते हैं और हमारा क्या किरदार होना चाहिए जिससे हम खुद और अपने मुल्क को सेव करके इन पॉलिटिशियंस से बच सकें? मैं तो बस ये पैगाम दूंगा कि आप ऐसा किरदार अदा करें कि उससे ये महसूस हो कि आप ज़िंदा जीते जागते इंसान हैं, आप ग़ुलाम नहीं हैं, आप जानवर नहीं हैं। ये जो चंद ख़ानदान हैं, चंद ख़ानदान, इनका मसला ये है कि ये आम अवामुन्नास को, आपको, मुझे, सुनने वालों, देखने वालों को, ये आम इंसान, इंसान तो छोड़ें, हमारे वो राइट्स भी नहीं है जो इनके घर के पालतू कुत्ते के राइट्स। वो भी बीमार होता है तो उसे टीका लगाने वाला मौजूद होता है, उसे दवाई देने वाला मौजूद होता है, उसकी खुराक भी लंदन और अमेरिका से आती है। तो ये जो चंद ख़ानदान है, गरीब की बात करने वाला बैठा है एक 300 कनाल में बनी गाला, एक गरीब की बात करने वाला बैठा है 400 कनाल जाती उमरा में, इनको क्या पता कि जिसके घर में 5 या 4 या 2 या 3 बच्चे हैं घर पे अपने, उनके लिए रोटी नहीं लेके जा रहा, वो किस तरह घर जाता है? उसका दिल करता है कि ज़मीन खुले और वो अंदर चला जाए। लेकिन वही बेहिस इंसान, मुझे ये कहने की इजाज़त होनी चाहिए
कि वो अपने अंगूठे से अपने 5 साल लिखता है हर इलेक्शन के अंदर, और बेटे की नौकरी का झूठा वादा, सीवरेज डलवाने का झूठा वादा, इन वादों के ऊपर वो इन्हीं चोरों को दोबारा वोट देता है और फिर वो 5 साल इनका गालियां देता रहता है। तो मैं ये कहता हूँ, मेरा ये पैगाम है नौजवानों से, ख़ास तौर पर यूथ से, कि अपनी अपने मन में डूब कर पा जा सुराग, अपनी अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लें। आपको अंदाज़ा नहीं है आपकी स्ट्रेंथ कितनी ताकत है। ऐलान बगावत करें इस निज़ाम से, एक्टिविज़म और निकलने की बात करें इस, इनको पूछें। असल में हुक्मरान ये चाहते नहीं है कि कोई उठे खड़ा और सवाल करें। सवाल करें, निकलें अपने घरों से। अपने लिए अगर नहीं निकलना तो अपनी आने वाली नस्लों के लिए निकलें। और ये चंद ख़ानदानों, चंद पार्टियों को, इनको सवाल करें, क्वेश्चन करें, और आपको कुछ दबाने की कोशिश करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शहर लाहौर के अंदर कोई नौजवान वो एक्टिविज़म के लिए, वो सोशली निकलने के लिए, आवाज़ उठाने के लिए तैयार होगा। मैं उसको सपोर्ट करूँगा, जहाँ कहेगा मैं इंशाल्लाह उसके साथ होऊंगा, मैं उसकी आवाज़ बनूंगा। तो हम ये जो सुनी नहीं जा रही, उन छोटी छोटी सरगोशियों को इकट्ठा करके एक बड़ी आवाज़ पैदा करें, ताकि इन हुक्मरानों को, इन चंद अशराफिया के ख़ानदानों को, रूलिंग एलीट को जवाब देना पड़े। बहुत